पन्ना जिले के सुनवानी थाना प्रभारी का स्थानांतरण पुलिस लाइन हो जाने पर आज थाने में नवागत थाना प्रभारी कृष्ण मवाई और समस्त स्टाफ सहित ग्रामीणों और आसपास के बुद्धिजीवियों ने पूर्व थाना प्रभारी वाहिद खान को भाव विभोर होकर विदाई दी है, जिसमें श्री खान को फूल गुलदस्ते देकर उनसे उज्जवल भविष्य की कामना की। तो वहीं उपस्थित पत्रकार बंधु और समाज सेवियों ने विदाई देते हुए कहा कि थाना प्रभारी खान सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जिन्होंने इस थाने की कमान करीब 1.5 वर्ष संभाली, जिसमें उन्होंने हर विषय को गंभीरता से लिया, जिसका नतीजा रहा कि उनके कार्यकाल में कोई बड़ा अपराध सामने नहीं आया। वहीं पूर्व थाना प्रभारी वाहिद खान ने कहा कि आप लोगों ने जिस तरह मुझे इस कार्यकाल में दिया है, ऐसा ही साथ वर्तमान थाना प्रभारी को दें जो राष्ट्र की सेवा में लगे रहें। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। आदरणीय खान साहब, 13 नवंबर 2019 को हमारे बीच में श्री लाल जी श्री मैडम के ट्रांसफ़र के बाद यहाँ थाना मरला से आए हुए थे। करीब 1.25 वर्ष के उनके इस कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव आए हैं, कई वो आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी सूझबूझ के से इस थाना में हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है। आज हमारे बीच से आपका स्थानांतरण पन्ना के लिए हुआ है, क्योंकि ये विभाग आप हार्दिक आभारी हूँ कि मेरे स्थानांतरण के बाद आप लोग मुझे विदा करने के लिए यहाँ पधारे। मैं दूसरी ओर अपने सहयोगी श्री मावाई साहब का इस थाने में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों से एक अपेक्षा रखता हूँ कि जितना 2.25 वर्ष में आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, उससे ज़्यादा हमारे थाना प्रभारी श्री मावाई साहब को सहयोग दें। और कोई भी जिस तरीके से कोई भी परिस्थिति आती है, यहाँ पर आज तक कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है जिससे कि क्षेत्र में कोई सांप्रदायिकता का तनाव हो या कोई अन्य स्थितियाँ गुजरी हों। मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग पूरा सहयोग दे करके स्थितियाँ निर्मित होने से बचाते रहे हैं, उसी तरीके से आप आगे भी यही प्रक्रिया अपनाए रहें। और आप लोगों ने मुझे जो सहयोग दिया उसका मैं आभारी हूँ और ऋणी हूँ। कभी भी मेरे सहयोग की आप लोगों को आवश्यकता पड़े। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।